अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, असलम दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो यार, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले आपको स्क्रिप्ट का डेमो दिखा देता हूं, और ये फुली रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल पे भी ओपन होगी। और जिन भाइयों को मसला आ रहा था कि मोबाइल पे ओपन नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि डेडिकेटेड वीडियो होगी कि आपके मोबाइल में क्यों शो नहीं होती। इसकी दो तीन ही गलती हो सकती है आपकी, जिसकी वजह से शो नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं कि भाई स्क्रिप्ट का मसला है, तो स्क्रिप्ट में कोई इश्यू नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। तो फिलहाल हम स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, बाकी इसके बाद एक वीडियो अभी आएगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है? तो उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपकी स्क्रिप्ट मोबाइल में ओपन नहीं हो रही होती, ठीक है? तो बहुत भाई कहते हैं कि हमने मतलब कि डेस्कटॉप पे स्क्रिप्ट इंस्टॉल की, डेस्कटॉप पे ओपन हो रही है, लेकिन मोबाइल पे इस तरह का मतलब कि शो हो रहा है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में, तो सबसे पहले उसका डेमो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने मतलब इसको आपके लिए बनाया है, तो मैं अभी आपको एक और सबडोमेन क्रिएट करके उसके ऊपर आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो यहाँ पे मतलब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपको डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स बता रहा है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, और उसके साइड पे आप देखें तो यहाँ पे न्यू ईयर को चल रहा है, ठीक है? तो न्यू ईयर के मतलब इवेंट ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं इस तरह की स्क्रिप्ट से, ठीक है? ये ब्लॉगर की है, तो कंप्लीट कस्टमाइजेशन देखेंगे। उसके नीचे एक इमेज लगी हुई है, एंड उसके नीचे अगर आते हैं तो फिर एक इमेज लगी हुई है। यहाँ पे ये देखें तो मतलब के लगे हुए हैं, उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेक्स है, उसके नीचे हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे एक सॉन्ग है, ये ऑटो प्ले हो जाएगा अगर आप इसी को सेंड करते हैं तो। बाकी आप यहाँ पे अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं अगर आप खुद बनाते हैं तो, ठीक है? उसके लिए यहाँ पे अगर आपने अपना नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, और गो के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी ऊपर मेरा नाम आ चुका होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें तो मेरा नाम आ चुका है, एंड यहाँ पे आपको शेयर वाला बटन भी मिल चुका है कि आप इसको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे ये देखिए तो कम्प्लीटली मतलब कि रिस्पॉन्सिव है, तो ये देख सकते हैं आप मोबाइल में इस तरह से ओपन होगी। बाकी वो सेटिंग्स की आप गलती करते हैं, इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको सेटिंग समझाऊंगा। इस स्क्रिप्ट में कोई भी मसला नहीं है, ठीक है? और ये मैं इस वीडियो में तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, इसकी स्क्रिप्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैंडल इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि इस तरह की जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक डोमेन क्रिएट किया है, ठीक है? तो अभी आपने देखा है, तो इसके ऊपर मैं इसी स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डाउन एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, इसके ऊपर आपने क्लिक करके स्विच विदाउट ए बैकअप, अगर आपके पास कोई पुराना ब्लॉग नहीं है तो आप विदाउट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसका बैकअप बना लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल को मतलब कि इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने बना के रखी थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जाता हूँ फोल्डर में, और मैं वहाँ से फाइल को ढूंढ के ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से मुझे आई थिंक बैक जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना के रखा है जिसमें मैंने वो स्क्रिप्ट रखी थी, ठीक है? तो ये मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, हैप्पी न्यू ईयर स्क्रिप्ट फॉर ब्लॉगर, ये वाली है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने एडिटर में, तो ये एडिटर में ओपन होगी, कंट्रोल ऑल्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से मैंने कंट्रोल ऑल्ट किया, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं ब्लॉगर में, एडिट एचटीएमएल के ऊपर मैंने क्लिक करना है। एडिट एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पे जो भी टेक्स्ट है कंप्लीट को मैंने सेलेक्ट ऑल करना है, और डिलीट कर देना है यहाँ से सारे टेक्स्ट को, ठीक है? डिलीट करने के बाद जो मैंने अभी वहाँ से कॉपी किया था, वहाँ से उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मतलब कि मैंने इसको जस्ट सेव कर देना है। यहाँ पे ये सेव हो चुका है, तो ये देखिए प्रोसेसिंग अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। और अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मतलब कि अपनी डोमेन के ऊपर आके इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से, ठीक है? तो अभी मैं रीलोड किया है, मतलब कि मुझे वही शो हो रहा है।
ठीक है, तो इसका मैंने वॉल्यूम म्यूट किया हुआ है जिसकी वजह से आपको ये शो नहीं हो रहा। तो बाकी इसके ऊपर मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ से इस तरह से ओपन हो रही है। सबसे पहले एडिट एचटीएमएल में हम आ जाते हैं, तो इसको जब हम रीलोड करते हैं एक बार, ठीक है, तो रीलोड करते ही हमारे सामने क्या